गिरफ्तारी कैसे होगी यही बता रखा आपका सीआरपी सेक्शन 46 के अंदर, अरेस्ट हाउ मेड। सीआरपीसी सेक्शन 46 आपका चार तरह की बात कहता है जी। पहली बात तो ये कहता है कि जिस भी व्यक्ति के पास में, जिस भी पर्सन के पास में गिरफ्तार करने का वारंट है, कोई भी थर्ड व्यक्ति हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, जो पुलिस में नहीं है लेकिन उसके पास में वारंट है कि वो उस अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है, या फिर कोई पुलिस वाला है जिसके पास में वारंट है किसी को गिरफ्तार करने के लिए, या फिर उस अपराधी ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तब तो पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर लेगी। तो ऐसे अपराधी को अगर वो पकड़ने के लिए जाते हैं, गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं ना, उसके घर में जाते हैं, उसके खेत में जाते हैं, कहीं वो मार्केट में, कहीं नहर पे, जहां भी है, वो कॉलेज में, स्कूल में, कहां पर भी है, अगर उसको गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं ना, और वो अपराधी लाइक ये अपराधी अपने आप को समर्पित कर देता है कि बताइए कहां बैठना है, हाँ मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, बताइए कौन सी पीसीआर में बैठना, कौन सी सीट पे बैठना, अगर ये अपने आप को समर्पित कर देगा ना, तो वो व्यक्ति जिसके पास वारंट है, या वो पुलिस जिसके पास वारंट है, या फिर इसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, पुलिस वाले इसको पकड़ने के लिए आए, उसको टच नहीं कर सकते, ऐसे टच नहीं, ऐसे ऐसे हाथ नहीं पकड़ सकते जी, ऐसे टच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को पहले से समर्पित कर रहा है कि हाँ मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बताइए कौन सी गाड़ी में बैठना है, कौन सी पीसीआर की कौन सी सीट में बैठना है, एसी वाली की सामने वाली सीट दे दो मुझे, मुझे वहां बैठना है, अपने आप को समर्पित कर रहा है, तब उसको टच नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर वहीं पे मामला किसी लेडीज का हो, कोई लेडीज अपराधी है और उसको कोई गिरफ्तार करने के लिए गया, कोई भी जिसके पास वारंट है, कोई पुलिस वाला, ठीक है, या फिर उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, अगर उसको कोई गिरफ्तार करने के लिए गया है, तो पुलिस या फिर वो थर्ड पर्सन पहली परसेप्शन यही रखेगा कि वो अपने आप को समर्पित कर देगी, क्योंकि वो एक महिला है, कोई लेडीज है, कि वो जाते ही कह देगी हाँ जी हाँ ले चलिए, ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ, उनका परसेप्शन है ऐसा कि वो ऐसा करेगी, लेकिन महिला तो महिला है, ये बड़े बड़े नाखून, ये चलाक लोमड़ी हैं, और लगा कि ये तो भैया अपने आप को गिरफ्तार समर्पित नहीं करने वाली, तब ऐसे में तो ऐसे में उसको जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन करेगा कौन, कोई लेडीज पुलिस ही करेगी जी, लेडीज का मामला है तो लेडीज पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी, ऐसे पकड़ सकती है, लेकिन अगर वो भी अपने आप को ऐसे समर्पित कर रही है ना, ठीक है जी मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तब उसको भी टच नहीं किया जाएगा, चले बात कोई लेडीज पुलिस की हो, लेकिन लगा कि शायद भागने की तैयारी में है, शायद हमको चकमा देने की तैयारी है, तभी यहां से क्यों पीछे से भी ऐसे पकड़ लिया जाएगा, ऐसे बाहों में भर लिया जाएगा, ओ बाहों में सिर्फ लेडीज पुलिस ही भरेगी, जेंट्स नहीं भरेंगे, तो ऐसे जबरदस्ती कस के पकड़ गए, पीछे में बिठा लिया जाएगा। वो फिल्म देखी थी आपने, लाल सिंह चड्ढा, लाल सिंह चड्ढा के अंदर क्या होता है कि करीना कपूर अपना आराम से सो रही थी आमिर खान के साथ में, तब उसको गिरफ्तार करने के लिए आ गए, तो नीचे आके क्या कहती है, उनको मत उठाइए, मैं अपनी गिरफ्तारी दे रही हूँ, बताइए पीसीआर में कहाँ बैठना है, यानी कि उसने अपने आप को समर्पित कर दिया, तब उसको टच नहीं किया जाएगा। जेंट्स कोई अपराधी है उसको टच नहीं किया जाएगा अगर वो अपने आप को समर्पित कर रहा है, कोई लेडीज जो अपने आप को समर्पित कर रही है उसको टच नहीं किया जाएगा। दूसरी बात ये कहता है कि अगर कोई पुरुष है अपराधी है और वो लगता है कि ये अपने आप को समर्पित नहीं करेगा, ये तो भागने की तैयारी में है, कि लगता है कि भाग सकता है, हमको चकमा देके भाग सकता है या भाग ही गया, तब पुलिस या वो व्यक्ति जिसके पास वारंट है वो कोई भी तमाम कोशिश कर सकता है जो पॉसिबल है, उसको गिरफ्तार करने के लिए कुछ भी कर सकता है जी, गोली भी चला सकता है, मार सकता है, अगर लगा कि मेरे हाथ में डंडा है और वो अपराधी भाग रहा तो भागते भागते वो डंडा भी मार सकता है, लगा कि अपराधी भाग रहा है मेरे हाथ में ईंट है तो ईंट भी मार सकता है, लगा कि वो अपराधी है और उस चार पांच लोगों की मदद लेके मैं उसको घेर सकता हूँ तो लोगों की मदद भी ले सकता है, कि वैसा पकड़ना पकड़ना करना गिरफ्तार यार इसको घेर लो घेर लो घेर लो इसको, कोई भी तमाम कोशिश कर सकता है उसको गिरफ्तार करने के लिए अगर वो ऐसे भागने की कोशिश करता है तो, या फिर भाग के अगर वो कहीं पे ऐसे किसी बिल्डिंग में छुप जाता है, किसी एरिया में छुप जाता है, तो उस एरिया को सील भी कर सकती है पुलिस, अगर उस एरिया के अंदर कोई लोग रह रहे हैं ना तो परमिशन दे देगी, अगर आपको इस एरिया से बाहर आना है तो आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा के आप बाहर आ जा सकते हैं, आने जाने पर रोक नहीं है, क्योंकि हमको कुछ दिन के लिए यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा वो छुपा हुआ कहाँ पे, अपराधी को पकड़ने के लिए कोई भी तमाम कोशिश कर सकते हैं, गोली भी चला सकते हैं। लेकिन तीसरी बात ये कहता है कि अगर उस अपराधी ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसकी सजा आजीवन कारावास या फांसी होगी, ऐसा अपराध नहीं किया जी, कोई छोटा मोटा चोरी का अपराध किया, कोई ऐसा अपराध किया, कोई दहेज का केस होगा, ऐसा कोई मामला किया, लेकिन इतनी भी सजा, इतना भी बड़ा अपराध नहीं किया कि उसको ये सजा मिलेगी, लाइक उसने वो कोई कत्ल करके नहीं भागा, कत्ल करेगा तो ये लग जाएगी, वो किसी का रेप करके नहीं भागा ये लग जाएगी, अगर उसने ऐसा अपराध किया है तभी पुलिस गोली चला सकती है, अगर किया है तो, लेकिन अगर उस अपराधी ने जो भागा है उसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसकी सजा ये होगी, तब पुलिस गोली नहीं चला सकती जी, बाकी सारी तमाम कोशिश कर सकती है, उसको कोई इंजरी दे सकती है डंडे से, ऐसे पत्थर से, लेकिन गोली नहीं चला सकती, गोली कब चला सकती है जब उसने ऐसा अपराध किया हो और तब भाग रहा हो,
बात समझ में आई। चौथी बात ये कहता है कि किसी भी महिला को रात में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, रात में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कब? जब उस महिला ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो। अगर कोई महिला अपराधी है और उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया ना, तब उसको नाइट में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जी। नाइट का मतलब क्या है? सूर्य देवता सो गए हैं और जब तक सूर्य देवता नहीं उठ जाते, यानी सूर्य ढलने के बाद और सूर्य उदय होने तक, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कब? जब उस महिला ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो। लेकिन अगर उसी महिला ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो तब उसको नाइट में भी गिरफ्तार कर सकते हैं। एक केस याद आ गया कुछ दिन पहले का ही है। एक महिला थी, 35-36 साल की उम्र थी, और उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया रात को अपने पास, और अपना जो करना था आराम से कर रही थी। इतने में सास उठ गई। सास ने देखा कि हमारी घर की बहू गुलछर्रे उड़ा रही है, मेरा बेटा तो कहीं कमाने के लिए गया है, ये पड़ोसी के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही है। तब उस महिला ने क्या किया, अपनी सास का गला घोट के वहीं मार दिया रात को ही। और वो लड़का भाग गया, वो उसका बॉयफ्रेंड। उस लड़के ने पुलिस को फ़ोन किया कि मैं गया था ऐसे ऐसे गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, वो गर्लफ्रेंड ने अपनी सास को मार दिया जी। पुलिस गई, रात के 1 बजे की बात है, हम भी थे उस टीम में, तो चले गए, जाके देखा तो रात को ही उसको गिरफ्तार कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बात समझ में, क्योंकि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, रात को ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ऐसी रात की गिरफ्तारी में करेगा कौन? देखो, पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी महिला को अगर गिरफ्तार करना हो ना, तो महिला पुलिस कर्मचारी ही होनी चाहिए, यानी कि लेडीज ऑफिसर ही होनी चाहिए, लेडीज पुलिस ही होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर रात में किसी लेडीज को ऐसे गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसकी सूचना, उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को देनी पड़ती है जी, चाहे वो फर्स्ट कैटेगरी का मजिस्ट्रेट हो या फिर कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, सेकंड कैटेगरी का मजिस्ट्रेट भी हो, उसको रिपोर्ट भेज दी जाएगी कि हमको ऐसी ऐसी सूचना मिली है कि किसी महिला ने ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, मैं नाइट की ही बात कर रहा हूँ, तो हम उसको गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं। पहले रिपोर्ट भेज दी जाएगी, फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो किसी भी महिला को रात में भी गिरफ्तार किया जा सकता है अगर कोई उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, लेकिन उसकी रिपोर्ट पहले कहाँ भेजनी पड़ेगी? किसी मजिस्ट्रेट के पास में भेजनी पड़ेगी, चाहे वो सेकंड कैटेगरी का मजिस्ट्रेट हो या फिर फर्स्ट कैटेगरी का मजिस्ट्रेट हो, ठीक है? तो उसको ऐसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन गिरफ्तार करेगा कौन? महिला पुलिस ही गिरफ्तार करेगी। लेकिन अगर उसी दौरान जिसको गिरफ्तार करने के लिए गए हैं, उस लेडीज़ को गिरफ्तार करने के लिए गए हैं, अगर वो उस लेडीज़ पुलिस के ऊपर हमला कर देती है, धक्का दे के भाग जाती है, भागने की कोशिश करती है, तब जो साथ में जो जेंट्स पुलिस होते हैं ना, वो भी उसको गिरफ्तार कर सकते हैं जी। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, किताबों में यही लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल ये कि तब वो भी उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये था जी आपका CRP सेक्शन 46। लाल सिंह चड्ढा फिल्म देखी हो ना, तो वहाँ भी ऐसा ही होता है कि करीना कपूर को नाइट में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है ना? क्यों? क्योंकि वो किसी डॉन का साथ दे रही थी। सिखाया था ना, डाकुओं का साथी, डाकुओं का साथी होना भी अपराध है, तो वो किसी डॉन का साथ दे रही थी, तो उसको रात में ही गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और अगर वो महिला अपने आप को, देखो जो चीज़ मैंने आप फर्स्ट पॉइंट में बताई थी, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है और किसी महिला को ऐसे रात में गिरफ्तार कर रहे हैं ना, और वो भी ये कह देती है मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ, बताइए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, अपनी गिरफ्तारी दे रही हूँ, तब उसको टच नहीं किया जाएगा जी। यहाँ पर भी वो बात लागू, तब उसको टच नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर भाई वो भागने की तैयारी कर रही है, तो फिर तो ज़बरदस्ती पकड़ना ही पड़ेगा, फिर तो आपको ही पता क्या होता है, ठीक है? तो ये कहता है जी आपका CRP सेक्शन 46। 47 CRP सेक्शन 47 ये कहता है कि जहां पर उस अपराधी को पकड़ने के लिए गए हैं, कोई भी व्यक्ति जिसके पास वारंट है, या कोई पुलिस वाला जिसके पास वारंट है, या उस अपराधी ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, लेकिन पता है कि वो इस घर में छुपा हुआ है, इस बिल्डिंग में छुपा हुआ है, ये कोई दुकान हो सकती है, होटल हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कोई भी बिल्डिंग है, वो यहाँ पे छुपा हुआ है, तब उस जगह की वो लोग तलाशी भी ले सकते हैं जी। देखो कैसे, ये तो आपका 47 तीन तरह की बात कहता है जी। पहली बात तो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में अगर वारंट है, ठीक है, या फिर पुलिस वालों के पास में वारंट है, या उसने कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, लेकिन उनको ये भरोसा हो जाता है कि जिस अपराधी को हम पकड़ रहे हैं ना, जिस अपराधी के लिए हमारे पास वारंट है गिरफ्तारी के लिए, वो अपराधी इस घर में छुपा हुआ है, तब पुलिस के पास ये पावर है कि वो इस घर में जाके क्या कर सकती है, तलाशी कर सकती है जी। वो जाएगी और जाके क्या कहेगी, इस घर को खुलवाएगी, इस घर के अंदर जो भी इस घर का मालिक होगा, अगर किसी ने घर किराए पे ले रखा ना, तो जिसने किराए पे ले रखा है, अब फिलहाल पोजेशन उसका है, तो पहले उससे परमिशन लेगी कि भाई साहब ऐसे ऐसे हमको चेकिंग करना है, कि हमको कोई जानकारी मिली है और पूरा भरोसा है कि वो अपराधी आपके घर में ही छुपा है, हम उसको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। जिसके पास में पोजेशन है ना, तो उसकी ड्यूटी ये है, जिसके पास में पोजेशन है, वो मना नहीं करेगा, वो पुलिस का साथ देगा, हाँ जी आइए चाय पानी पिलाएंगे, और अगर आपको हमारी जरूरत हो तो बताइए, हम आपका साथ भी देंगे आपकी तलाशी में, आप तलाशी ले सकते हो, और अगर वो अपराधी यहाँ पे, तो आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो, हम आपका साथ भी देंगे। तो उनकी ड्यूटी क्या बनेगी,
पुलिस का साथ देंगे जी। ऐसे एक रियल केस बताता हूँ आपको। एक लड़का किसी की बहू लेके भाग गया, तो बहू को भगाना भी अपराध है भाई, 498 IPC 498 किसी की बहू को बजा के ले गया। तो उसके हस्बैंड ने मामला लगवाया 346 का, क्योंकि मिसिंग रिपोर्ट थी ना कि पत्नी नहीं मिली, 346 का मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो जब पता लगा, उसकी पत्नी की कॉल डिटेल निकाली, CDR निकाली हमने, भाई किस किस से बात की हुई, तो पता लगा कि एक नंबर से बहुत ज़्यादा बार बात हो चुकी है। और फिर जब उसके हस्बैंड से पूछा, भाई तेरे को पता है ये नंबर किसका है, उसने बता दिया जी ये तो मेरे गाँव का लड़के का है, और ये लड़का पहले भी मेरी वाइफ को ऐसे ऐसे छेड़ता, मेरे को पकड़ा गया था और पंचायत में हमने इसको माफ़ कर दिया था। ठीक है भाई, फिर उस नंबर की जब लोकेशन निकाली, डिटेल निकाली किसके नाम पे, उसी लड़के के नाम पे मिला, डिटेल निकाली तो पता लगा हरियाणा के अंदर एक शहर है पानीपत, सुना भी होगा पानीपत की लड़ाइयाँ, तो वही शहर है पानीपत कि वो लड़का वहाँ पे छुपा हुआ है। तो अब उस लोकेशन के ऊपर क्या हो गया जी, हमको भरोसा हो गया, क्योंकि हमको लोकेशन मिली है उस लड़के की, वो लड़का इस घर में छुपा हुआ पानीपत में। हमको भरोसा क्यों हुआ इसके ऊपर, लोकेशन के ऊपर, तो लोकेशन के ऊपर भरोसा करेंगे ना। तो पुलिस पहुंच गई वहां पे, हम भी थे उस टीम में, चले गए और जाके देखा, अरे तो दरवाजा खुलवाया, उसने दरवाजा खोल भी दिया आराम से। तो जाते पूछा कि ऐसे ऐसे हमको सूचना मिली है और हमारे पास भरोसा है। भरोसा क्यों है, क्योंकि लोकेशन है कि आपके घर में वो अपराधी छुपा हुआ, उसको उसने अपनी वाइफ भी ऐसे ऐसे, वो किसी की वाइफ ऐसे ऐसे भगा के ले गया। तो उसने कहा जी आइए आप, उसने चाय पानी पिलाया और वो वहीं पे कमरे में लेटा हुआ था, तो उन दोनों को वहीं से गिरफ्तार कर लिया, उस लड़के को भी लड़की को भी। तो लड़के को जब गिरफ्तार किया, इसने पूरा साथ निभाया, ठीक है, क्योंकि इसकी ड्यूटी थी। और इसने बताया भी कि जी ये तो मेरे को झूठ बोल रहा था, इसने कहा कि ये उसका दोस्त का दोस्त का दोस्त था कुछ ऐसे। तो उसने कहा जी मेरे को तो ये बताया गया है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और इनको आगे जाना है, दूर तक जाना है, तो यहाँ पे रुकने के लिए भाई मैंने सोचा कि अगर रुक रहे हैं तो रुक जाएंगे। तो वो मामला था क्योंकि सूचना मिली। ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास में वारंट हो, या पुलिस वाले के पास में वारंट हो, या फिर उसने कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, तो पुलिस और ये जानकारी हो पुलिस वालों को या उस व्यक्ति को कि वो अपराधी इस घर में छुपा हुआ है, तो जाके उसकी तलाशी ले सकता है, इस जगह की वो तलाशी ले सकता है, कहीं पर उसने कुछ छोड़ दिया हो या ना छोड़ दिया हो, बात समझ में आई। दूसरी बात ये कहता है कि अगर ये मना कर दे, ये लल्लू लाल जिसका मकान है, जिसका पोजेशन है उस बिल्डिंग के ऊपर, ये मना कर दे, तब पुलिस या वो इंसान क्या करेगा, और उसके पास वारंट भी नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है दूसरे पॉइंट में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, ठीक है। अगर पुलिस को या किसी व्यक्ति को लगा कि कोई अपराधी है, वो ऐसा अपराध कर रहा है, वो इस घर में छुपा हुआ है, लेकिन अगर मैं कल को उसको गिरफ्तार कर लेता हूँ, तो मेरे को कोर्ट क्या दे देगी, वारंट भी दे देगी गिरफ्तारी का, कि हाँ तूने अच्छा किया, तूने इसको गिरफ्तार कर लिया। बात समझ में आई, देखो कैसे, अगर नहीं समझ में आई तो। एक लड़की चली गई जी किसी नर्सिंग होम में, डॉक्टर के पास में, अपना ऑबेशन करवाने के लिए। और ऑबेशन करवाने का मामला क्या होता है, 312। एक लड़की चली गई, उस लड़की के हस्बैंड ने पुलिस को सूचना दी कि मेरी वाइफ ऐसे ऐसे अपना ऑबेशन करवाने के लिए किसी डॉक्टर के पास में गई है। अब पुलिस के पास, अब ये क्या हो गया, ये नॉन कॉग्निजेबल मामला हो गया, पुलिस के पास वारंट नहीं है, वारंट नहीं है तो गिरफ्तार भी नहीं कर सकती, या कोई थर्ड व्यक्ति भी गिरफ्तार नहीं कर सकता क्योंकि वारंट नहीं है। लेकिन ये पता है कि भैया ओबोसन हो रहा है, तो मामला गड़बड़ी का, यानी मामला अपराध का है, अपराध हो रहा है, अब इस अपराधी को पकड़ना जरूरी है। तो ऐसे में पुलिस क्या करेगी, क्या वारंट का इंतजार करेगी? अब कोर्ट का रास्ता 1 घंटे का, 1 घंटे में वहां तक जाएगी वारंट लेने के लिए, तब तक तो 15 मिनट में डॉक्टर साहब ओबोसन ही कर देंगे, इतना फास्ट काम कर देगा इस टाइम तो, समझ में आई। तो यहाँ पे पुलिस को क्या लगा कि वारंट को छोड़ो, पहले उस अपराध को रोकना जरूरी है, उनको गिरफ्तार करना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने उसको गिरफ्तार कर लिया और बाद में हमने बता दिया मजिस्ट्रेट साहब को कि ऐसे ऐसे अबोसन कर रहा था जी, और तो तब उनको भरोसा होगा कि ऐसे अपराधी को अगर पकड़ के लेके जाएंगे तो मजिस्ट्रेट साहब हमको वारंट दे देंगे कि हाँ भाई साहब आपने अच्छा काम किया, गिरफ्तार कर लिया, समझ में आई। तो दूसरी बात यही कहता है कि अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल मामला हो, और यानी कि कोई ऐसा अपराधी जिसने कोई नॉन कॉग्निजेबल अपराध कर रहा हो या कर चुका है, और अगर किसी थर्ड व्यक्ति या पुलिस को लगता है कि इसको गिरफ्तार करना जरूरी है, वारंट तो बाद में भी आ जाएगा, वारंट तो कोर्ट बाद में भी हमको दे देगी अगर हम इस गिरफ्तार व्यक्ति को पकड़ के लेके जाएंगे, तो तब पुलिस क्या जाएगी, इस नर्सिंग होम में जाएगी। अब इसका पोजेशन जिसके पास में है, पहले तो उससे परमिशन मांगेगी कि भाई साहब हम अंदर आ सकते हैं, हमको ऐसी ऐसी जानकारी मिली है, वो क्या कहेगा, नहीं 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 आ सकते, नहीं आ सकते, तो अब दया दरवाजा तोड़ दे। तो अगर वो मना करेगा ना, तो जबरदस्ती उस घर में, उस बिल्डिंग में जाके घुस सकती है, पुलिस के पास में क्या है, पावर है जी, दया दरवाजा तोड़ दे, खिड़की तोड़ के अंदर जा सकते हैं, दरवाजा तोड़ के भी अंदर जा सकते हैं, और जहां पे अपराध हो रहा है वहां पे उस अपराधी को गिरफ्तार
कर सकते हैं। क्या पता जब तक वारंट लेने के लिए जाए तब तक अपराधी भाग ही जाए, वो डॉक्टर ही भाग जाए, वो महिला भी वापस घर आ जाए, नहीं मैं तो ऐसे कराने गई नहीं थी, डॉक्टर भी क्या बता आउट ऑफ रीच हो जाए। तो ऐसे में उस अपराधी को पकड़ना जरूरी होता है, भरोसा होता है कि अगर हम इसको पकड़ के ले गए चले गए ना तो वारंट हमको मिल ही जाएगा। और जिसके घर में जा रहे हैं, जिस बिल्डिंग में जा रहे हैं और उसका पोजेशन किसी के पास में है, तो पुलिस क्या कर सकती है, अगर वो मना कर देता है तो जबरदस्ती घर में घुस जाएगी जी, ये दूसरी बात कहता है। ठीक है, तीसरी बात ये कहता है कि यहीं पर एक बात और भी कहता है, ये कहता है कि अगर उस घर के अंदर कोई ऐसी महिला रह रही है, जो घर है कोई भी बिल्डिंग है, कोई ऐसी महिला रह रही है जो मतलब अपना ट्रेडिशनल फैशन में रहती है, ट्रेडिशनल फैशन का मतलब ये कि भैया उसने ठान रखा कि मैं किसी मर्द को अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगी, जैसे ये कुछ अपना मुस्लिम महिलाएं होती है अपने बुरखे में रहती है कि हम प्राय मर्द को अपना शक्ल नहीं दिखाएंगे, अपना फेस नहीं दिखाएंगे। इसी तरह अगर आपने राजस्थान में ट्रैवल किया हो, हरियाणा में ट्रैवल किया हो, हरियाणा क्या इंडिया में तो मोस्टली ऐसा ही है कि अपना ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल क्या है कि लेडीज़ जो है इतना इतना घूंघट में रहती है, हाँ इंडिया में बहुत जगह है, राजस्थान और हरियाणा में तो मोस्टली मैंने देखा ही है कि इतना इतना घूंघट में रहती है, उनका ट्रेडिशनल हो गया। अब उनका मानना ये है कि हम प्राय मर्द को अपना शक्ल नहीं दिखाएंगे, उस घर के अंदर कोई ऐसी महिला रह रही है और पुलिस वाला कोई व्यक्ति जाता है जिसको पता लगा कि ऐसा अपराधी कोई अंदर है, उसको पकड़ने के लिए तलाशी लेने के लिए अंदर गए हैं कि हम देख तो लें यहाँ पे वो है या नहीं है, तब अगर पता लगा कि ऐसी महिला है जो घूंघट यानी किसी को फेस नहीं दिखाती है, या फिर कोई ऐसी मुस्लिम महिला जो बुरखे के बिना किसी प्राय मर्द को ऐसा फेस नहीं दिखाता है, तब उसको पहले नोटिस करेंगे जी कि हम आपके घर में आ रहे हैं ऐसे ऐसे तलाशी लेने के लिए, अगर आप अपने ट्रेडिशनल माहौल में आ चुके हैं तो अच्छी बात है हमको बता दीजिए, अगर आपको लगता है कि मेरे कपड़े दूसरे कमरे में रखे हुए हैं तो हम आपको वो मुहैया करवा देंगे, आपको दे देंगे, या फिर आपको लगता है कि बाहर से लेके आने पड़ेंगे तब भी हम आपको लाके दे देंगे, यानी हम आपका ट्रेडिशनल खराब नहीं करेंगे, जो आपने को ये अपने आपकी जो परंपरा है ना वो परंपरा हम आपकी खराब नहीं करेंगे, लेकिन आप हमको तलाशी लेने दीजिए। फिर वो क्या कर सकते हैं, जैसे ही उस महिला को नोटिस देंगे, अगर वो महिला अपने उसी हाव भाव में आ जाती है, अपने उस परंपरा में आ जाती है, हाँ जी मैंने ओला प्रथा कर लिया है, मैंने अपना जो लगाना था वो लगा लिया, अब आप चेकिंग कर सकते हैं, तब वो पुलिस क्या करेगी, तब उस जगह में एंट्री कर सकती है जी, ये बात कहता है। तीसरी बात ये कहता है कि अगर जिस घर के अंदर गए हैं और वो घर अगर बंद हो जाता है तो बाहर आने के लिए कोई भी पुलिस वाला या फिर कोई भी थर्ड व्यक्ति, अगर किसी घर के अंदर गए वो घर बाहर से बंद हो जाता है, तब वो बाहर निकलने के लिए कोई भी खिड़की दरवाजा तोड़ सकते हैं जी, समझ में आए, दया दरवाजा तोड़ दें। तो ये था जी आपका सीआरपी सेक्शन 46 और 47, रिवाइज करूं या जरूरत नहीं होगी आई थिंक। देखो पहली बात तो 46 में ही कहता है किसी को अगर गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं ना, सामने वाला समर्पित कर देता है, हाँ जी मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ, उसको टच नहीं करेंगे। यहीं पे बात लेडीज़ की, अगर लेडीज़ अपने आप को समर्पित कर देती है तो उसको कोई टच नहीं करेगा, लेकिन अगर वो ऐसे लगता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गिरफ्तार महिला को कौन करेगा, महिला पुलिस कर्मचारी करेगी, यानी कि लेडीज़ ऑफिसर ही करेगी। दूसरी बात ये कहता है कि अगर वो भागने की कोशिश करता है तो उसको रोकने के लिए तमाम कोशिश की जा सकती है, गोली भी चलाई जा सकती है, लेकिन तीसरी बात ये कहता है अगर उसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जो फांसी आजीवन कारावास है तब गोली नहीं चला जा सकती। चौथी बात ये कहता है अगर किसी महिला ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तब उसको गिरफ्तार रात में नहीं किया जाएगा, दिन में कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया तब उसको नाइट में गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट कहाँ देनी पड़ेगी, किसी फर्स्ट कैटेगरी मजिस्ट्रेट को या फिर किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को, बात समझ में आई। सीआरपी सेक्शन 47 आपका ये कहता है कि तलाशी, जहाँ से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है उस जगह की वो तलाशी भी कर सकते हैं, किसी के पास वारंट है, किसी पुलिस वाले के पास में, थर्ड व्यक्ति के पास में, या उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और उनको भरोसा हुआ कि इस जगह पर अपराधी है तो उस जगह पर जा सके, जाके वो तलाशी ले सकते हैं, और जिसका वो मकान है, बिल्डिंग है, जिसके पोजीशन में है, वो मना नहीं करेगा, उसकी ड्यूटी है कि वो मना नहीं करेगा, उनका साथ देगा, हाँ जी मैं चाय बना लेता हूँ, तब तक आप तलाशी ले लीजिए। दूसरी बात ये कहता है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल का मामला है और किसी के पास में वारंट नहीं है, लेकिन उसको उनको लगा कि अपराधी को पकड़ना ज़्यादा जरूरी है और अपराधी को पकड़ के अगर कोर्ट में ले गए ना तो कोर्ट हमको वारंट भी दे देगा, जैसे मैंने 312 का आपके सामने एग्जांपल दिया, तो ऐसे में उस अपराधी को पकड़ सकते हैं और उस घर में जा सकते हैं, लेकिन अगर उस घर में जाने के लिए जिसका पोजीशन वो मना कर देता है, नहीं नहीं मैं घर में नहीं आने दूंगा, तो वो जबरदस्ती दया दरवाज़ा तोड़ दे और जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाएंगे तलाशी लेने के लिए कि ऐसा अपराध हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर कोई ऐसी महिला जो अपनी परंपरा में रहती है, अपने ट्रेडिशनल हाव भाव में, अपने भेष में रहती है, ट्रेडिशनल भेष में रहती है, जैसे मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, तब उसको पहले नोटिस करेंगे कि बहन जी आप अपने परंपरा के अनुसार आ जाइए, हम आपके घर में आ रहे हैं तलाशी लेने के लिए, तो नोटिस देके फिर उस घर के अंदर तलाशी ले सकते हैं। तीसरी बात ये कहते हैं जिस घर में जाएंगे तो अगर अंदर जाने के लिए दरवाजे खिड़की तोड़ सकते हैं ना, तो बाहर आने के लिए भी दरवाजे खिड़की तोड़ सकते हैं जी। तो ये था आपका 46 और 47, समझ में आया या नहीं आया मेरे को ज़रूर बताएं, सीआरपीसी इजी है या मुश्किल है ये भी मेरे को ज़रूर बताएं। थैंक यू।